बसमिलीम पहला सवाल है जी मोहम्मद साहब इंडिया मोहम्मद साहब की तरफ से जो इंडिया से हैं क्या नमाज में नीयत के लिए ये कहना ज़रूरी है कि मैं चार रकत फ़र्ज नमाज पढ़ रहा हूँ मुँह मेरा क़ाबा शरीफ़ की तरफ इमाम साहब के पीछे या दिल में ही पता हो कि आप चार रकत फ़र्ज पढ़ रहे हैं तो ये भी काफ़ी होगा देखें ये कि मुँह मेरा काबा शरीफ़ की तरफ और इस इमाम के पीछे तो मुँह तो काबा शरीफ़ की तरफ़ होता है तो नमाज होती है इसलिए इसकी नीयत ज़रूरी नहीं है बाकी ये कि इमाम के पीछे में दिल में इतना इरादा काफ़ी है कि मैं जमात से नमाज़ पढ़ रहा हूँ अकेला नहीं पढ़ रहा बाद दफ़ा इंसान सफ़ में खड़ा होता है अपनी नीयत बांध लेता है तो दिल में बस इतना इरादा होता ही है जब आप सफ़ में खड़े हैं तो और क्या करने के लिए खड़े हैं अपनी नमाज थोड़ी पढ़ने के लिए खड़े हैं तीसरा मसला ये कि चार रकत फ़र्ज पढ़ रहा हूँ दो रकत फ़र्ज पढ़ रहा हूँ ये नीयत लगव है आप फजर के दो फ़र्ज़ पढ़ रहे हैं और आप नीयत ये करें मैं चार पढ़ रहा हूँ तो भी फजर के दो ही होंगी इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा क्योंकि वो अल्लाह की तरफ से पहले से दो रकत मुतन है आपके चार कहने से वो फ़र्क नहीं पड़ेगा जहर में आपने ये नीयत कर ली कि मैं जहर की दो रकत पढ़ रहा हूँ तो भी नमाज़ आपकी हो जाएगी क्योंकि जहर की चार रकत होती हैं दो होती नहीं है सफ़र में आपने दो पढ़नी है अगर आपने ये नीयत कर ली मैं चार पढ़ रहा हूँ तो भी दो ही पढ़नी पड़ेंगी और नमाज़ हो जाएगी क्योंकि सफर में अल्लाह की तरफ से दो मुतन है तो सिर्फ इतनी नीयत करनी है कि जहर है या असर है क्योंकि जहर में आपके पास ये भी ऑप्शन था कि आप पिछली कोई क़़ा पढ़ लें यह भी ऑप्शन था कि सुन्नत पढ़ लें यह भी ऑप्शन था कि फ़र्श पढ़ लें तो ये तीन ऑप्शन थे आपके पास तो इनमें से एक को आपने ख़ुद मुतिन करना है कि फर्श पढ़ रहा हूँ या सुनतें नंबर दो जहर पढ़ रहा हूँ या पिछली कोई क़़ा पढ़ रहा हूँ तो जब आपने ये नीयत कर ली कि नहीं जी जहर है तो वो चार रकतें दो रकतें ये लगव काम हो जाएगा इसकी ज़रूरत नहीं है बस इतनी नीयत कि जहर है और फ़र्ज़ है बस यानी फ़र्ज़ से मेरी मुराद कि जहर है आज की जहर है ये 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 भी ज़रूरी नहीं है कि फ़र्ज़ है क्योंकि जहर तो है ही फ़र्ज तो सुन्नत नहीं है सुन्नतें पढ़ रहे हैं तो दिल में ये नीयत हो कि ये जहर में सुन्नत पढ़ रहा हूँ मैं फ़र्ज नहीं पढ़ रहा तो बस इतना ये इतनी काफ़ी है आजकल नीयतों में बहुत ज़्यादा ग़लू होने लगा है नमाज़ पढ़ने और ना पढ़ने वाले की खबर कैसी होगी अगर हम नमाज नहीं पढ़ेंगे तो कल ख़बर में हमारा क्या हाल होगा और अगर हम नमाज पढ़ेंगे तो हमारा खबर में क्या हाल होगा दोबारा वही हाल दो दफ़ा ख़बर में हाल पूछना चाह रहे हैं आप इस्माइल साहब इंडिया से अच्छा अगर नमाज़ पढ़ेंगे तो क्या हाल होगा नहीं पढ़ेंगे तो क्या हाल होगा नहीं पढ़ेंगे तो चित्रौल लगेंगे आपके पढ़ेंगे तो कब्र कुशादा हो जाएगी आपके लिए अल्लाह ताली की तरफ से रहमत होगी और सुकून होगा ये तो हिसाब किताब होगा ना जिसमें सबसे पहले है ही नमाज तो उसमें नमाज ही में पूरे नहीं उतरे तो क़ब्र के अजाब तो अदीस में है आग का अजाब है कुरान में आता है ना फिरौन को अल्लाह ने पानी में गर्क किया और आग में दाखिल कर दिया उसको अनार अलैहा आलिया व आशिया सुबह शाम आग में जलाया जाता है तो कुरान से पता चलता है कि क़ब्र में भी आग का अजाब होता है अल्लाह ताला हम सबको महफूज रखें